तो उनको आशीर्वाद आप भी दीजिए, सब लोग आशीर्वाद बजा जाए, ताली बजा दिए बोलो शंकर मैया की। हम लोग आ पाए और हमारे सभी सदस्य जुड़ रहे हैं। तो आपने तो आप देखकर समझिए कि मैं माता रानी के विसर्जन में जा रहा हूं और मेरा काफ़ी ज़्यादा गला बैठ गया है और अभी हूं पंडाल के पास, क्योंकि आज विसर्जन होने वाला है दिन में और नाइट का बज रहा है एक बज रहा है और कल दिन में, मतलब आज ही दिन में, क्योंकि एएम हो चुका है। सो विसर्जन दिन में होगा, ठीक है, एक बज दिन में और एक बज रहा है अभी नाइट, नाइट का हो रहा है, एएम ही है। सो और पीएम में होगा विसर्जन। सो आप यही जुड़े रहिए वीडियो में और चलते हैं आगे, अब सारा विसर्जन दिखाएंगे, क्योंकि हमारे गांव का फर्स्ट टाइम मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ जो कि ऐसा आपको वीडियो देखने को मिल रहा है। सो देखिए पूरा एकदम नाइट में ही पूरा खोल करके एकदम पूरा तंबू हटा देंगे, देखिए अभी कितना अच्छा लग रहा है। बताइए, खुद से अपना परिचय दीजिए। भाई हम गोविंदा वर्मा, ये गोविंदा वर्मा जी हैं जो कि, बताइए बताइए क्या है आप तब? तो मेरा दुकान है अंकुश मोबाइल, अंकुश मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर है जो कि हमारे गांव में, कंपनियों का मोबाइल जो है रिपेयरिंग होता है इनके दुकान पे, रिपेयरिंग होता है, कभी ब्लॉग में वो भी दिखा देंगे, सुपरमार्केट में है वो भी, अभी ब्लॉगिंग किए नहीं है वहां का बता देंगे। और ये प्रिय मित्र हैं रमेश कुमार यादव और मैं रमेश कुमार वर्मा, मेरा ये मीता है। हाथ मिलाइए इस बात पे। सो चलिए वीडियो को आगे ले चलते हैं, क्योंकि और काफी थोड़ा लंबा जाएगा ये वीडियो। चलिए बाय बाय, नहीं बाय बाय नहीं, क्योंकि आगे वीडियो में जा रहे हैं। चलिए भसान दिखाते हैं आपको, और ये नाइट का सीन है। और अभी भाई आप बोल रहे थे यार आपके उस बात के लिए सॉरी, क्योंकि मैं आपके गाँव नहीं जा पाया, क्योंकि देखिए जिस टाइम से मैं गाँव पे आया हूँ तब से बलिया गया, रेवती गया, रानीगंज गया, बैरिया गया और बयासी पुल पे जो जग हो रहा है वहाँ पे, और नाइट में मुझे प्रोग्राम भी दिखाना है, गाना भी शूट करना है। सो ऐसे आप बोलेंगे अब तो चले जाएंगे रवि भाई, सॉरी यार दिल से, लेकिन आप चैनल छोड़िएगा मत, ठीक है? यही एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, मैं समझूंगा आप माफ़ कर दिए। देखिए मेरा गला भी बैठा है, आप ये छोटा भाई आपके प्यार का ललायत है भाई। सो चलिए वीडियो को आगे ले चलते हैं। देखिए दुर्गा पूजा का लास्ट दिन है, जो कि कितना फीका पड़ गया है माता रानी का चेहरा, देखिए बिल्कुल फीका पड़ गया है यार। बताइए 9 दिन 10 दिन से हम लोग रखे थे और कल विसर्जन हो जाएगा, इतने खुशी से हम लोग बताइए रखे थे माता जी को, और देखिए आज पूरा पंडाल फीका पड़ गया है, लाइट बंद करते ही पूरा माता रानी का पंडाल ही फीका पड़ गया है। हम लोग 10 दिन से पूजा पाठ कर रहे थे, देखिए कैसे सुनसान लग रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ पे, मतलब सब खत्म ऐसे लग रहा है मुझे। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो भाई ये वीडियो दो पार्ट में आ रहा है, एक शाम को मैं डालूंगा जो कि विसर्जन हुआ है, तो थोड़ा नाइट आएगा 7 बजे शाम को आप लोग वेट कीजिएगा, बहुत ही अच्छा विसर्जन हुआ है हम लोग किए हैं और अभी सुबह का टाइम है। सो सोचे कि हम लोग ये बता दें आपसे, मतलब बता दें कि मतलब कब वीडियो आएगा, इसीलिए चलिए रवि भाई, टुनटुन भाई और भी जितने लोग भाई हमारे साथ जुड़े हो, इतना सारा ज़्यादा फैमिली, सॉरी यार इतना ज़्यादा फैमिली हमारे हो चुके हैं जो कि 250 कम है, बताओ 750 लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। 750 भाई जो कि मेरे गांव से भी हैं और बाहरी से भी हैं और इतना सपोर्ट करते हो भाई, क्या कहूँ आप लोगों को। चलिए ठीक है, और शाम को डालूंगा वीडियो, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है, बाय 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 बाय, बहुत ही जल्द मिलेंगे मेरे प्यारे भाई।